भारत सरकार बेच दी थी विक्रांत जहाज को विक्रांत जहाज को बजाज खरीद लिया उसका लोहा से क्या बना दिया विक्रांत नाम का जहाज मोटरसाइकिल बना दिया तो कंपनी ले बेच देगी अब वो क्या करेगा चल तो पाएगा नहीं खरीद लेगा नीलामी में जहाज कितना बिक रहा है साठ करोड़ खरीद लिया जहाज एक चलता फिरता शहर है आपको घर तुरने को देगा पंचतल ला तो हालत खराब हो जाएगी केवल तोड़ना नहीं होता है तोड़ने के बाद उसमें से चीजें ठीक ठाक निकाल के बेच दिया जाता है जैसे उसमें जितना पंखा लगा रहेगा सब बेच देंगे कि अब उसमें पंखा निकाल के बेच देगा पंखा के पीछे वायर होगा सेकेंड हैंड वायर बेच दिया स्विच बेच देगा गुजरात का का ये जगह का नाम क्या है? भावनगर। किसी को दिक्कत भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र है क्या है नमक अनुसंधान केंद्र या कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जहाजों को तोड़ने की व्यवस्था कहां है तो भावनगर पोत मतलब जहाज तोड़ने को कहते हैं भंजन पोत भंजन व्यवस्था कहाँ है भावनगर यहाँ पर दुनिया का कितना बड़ा जहाज लाइए टाइटेनिक जैसा जहाज लाइए तोड़ देगा यहाँ पर जहाज तोड़ना बड़ी टेक्निकल काम होता है एक नॉर्मल घर तोड़िएगा तो कितना झमेला हो जाता है घर तोड़ने के लिए कह देगा आफत नहीं हो जाएगा जी हाँ आपका जितना बड़ा शहर होता है ना उतना ज्यादा जहाज होता है जहाज एक चलता फिरता शहर है आपको घर तोड़ने को कह देगा तो हालत खराब हो जाएगा उसमें तो और भयानक चीज है केवल तोड़ना नहीं होता है तोड़ने के बाद उसमें से चीजें ठीक ठाक निकाल के बेच दिया जाता है जैसे उसमें जितना पंखा लगा रहेगा सब बेच देंगे समझा कहेंगे खरीद लेगा नीलामी में जहाज कितना बिक रहा है साठ करोड़ खरीद लिया कबाड़ जहाज है उस जहाज की एक टाइम पीरियड होती है कि तीस साल जहाँ चालीस साल बाद इसे हटा देना है तो कंपनी ले जाकर बेच देगी अब वो क्या करेगा चल तो पाएगा नहीं अब उसमें पंखा निकाल के बेच देगा पंखा के पीछे वायर होगा सेकेंड हैंड वायर बेच दिया स्विच बेच देगा बाहर कवर होगा जो गोलका पाप तरवा उसको बेच देगा वहां पर उस पूरे जहाज में प्लेट रहता है खाना खाने वाला वीआईपी प्लेट वहां पे प्लेटवा बेच देगा सेकेंड हैंड जितना नॉट बोल्ट निकलेगा नॉट बोल्ट सजा देगा

चम्मच थरिया जितना चीज चादर गद्दा बेड कुर्सी टेबल सब चीज मिलेगा वो चलता फिरता एक शहर होता है वहां पे समझ कि नहीं गया हर एक चीज का मार्केट मिलेगा कहां पर अलंग में इन उसके बाद जो बच जाएगा लोहा लोहा गला के बेच देगा कबाड़ वाले को अब उसे कबाड़ वाला क्या करेगा स्कूटी बना देगा बाइक भी बन जाता है बाइक भी बनता है लेकिन ज्यादा मात्रा में बाइक ही बनता है ज्यादा मात्रा में स्कूटी में रहता कौन चीज है खाली स्कूटी में कौन चीज रहता के नहीं? के? नहीं है नहीं स्कूटी का स्कूटी उतना मजबूत नहीं ना होता है मोटरसाइकिल की तुलना में भारी भी नहीं होता है हल्का रहता है स्कूटी को नॉर्मल काम पर्पज के लिए बनाया गया स्कूटी ज्यादा सिटीज के यूज के लिए अंदर है यहाँ पर नहीं समझे तो उसका लोहा वगैरह कुछ भी बना सकता है जहाज वगैरह एक पानी वाली जहाज भारत सरकार बेच दी थी विक्रांत जहाज को विक्रांत जहाज को बजाज खरीद लिया उसका लोहा से क्या बना दिया विक्रांत नाम का जहाज मोटरसाइकिल बना दिया एक मोटरसाइकिल आता विक्रांत हालांकि उतना सक्सेस नहीं हुआ डिजाइने बनाया तो लग रहा था सीआर चल रहा है नहीं जान जा स्कूटी तो घर ठीक है उसमें तो ज्यादातर चीजें फाइबर का हो जाता है स्कूटी में वजने कितना होता होगा इक से तो हल्की होती है बहुत हल्की तो चक्का कितना बड़ा होता है तो लड़की सब अपने ऊपर ले ली सब ई कौन बोलती है कि स्कूटी केवल लड़की के लिए है लड़का भी चलाता है लेकिन आप लोग खुद से बताइएगा हम बोले स्कूटी तो आप लोग क्या बोली बाइक भी बनता है नहीं आगने गया लड़की बाइक चला अरे बाइक को क्या पता कि लड़की चला रहा है कि लड़का हाँ लेकिन देखो चलाना लोग तो सावधानी से चला नहीं ना कि ले जाके लड़ा दे किसी में आगे बढ़े किसी को कोई दिक्कत भावनगर मिल गया किस लिए प्रसिद्ध है तो भंजन इंडस्ट्रियल एरिया होगा कि नहीं होगा भयानक इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर जाके वहाँ से कुछ खरीद के लेके चलिए ले। अब पानी वाली जहाज में हर एक चीज़ ए ग्रेड का लगता है ए ग्रेड की चीज़ें लगेंगी क्योंकि वहाँ पे बहुत हैवी ड्यूटी होता है अब हो हवाई जहाज का नट बोल्ट इसके नट बोल्ट में अंतर होता है ना अपने यहाँ का नट बोल्ट को माइनस में करिएगा तो सिकुड़ जाएगा हवाई जहाज उड़बे करता है माइनस साठ डिग्री पे माइनस पैंतालीस माइनस साठ उभरा बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है रेगिस्तान में जाता है कहीं मौसम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मौसम से नहीं फर्क पड़ता है यहाँ पे जहाज अगर इंग्लैंड में उतर रहा है ना सब एयरपोर्ट पे तो खड़ा रहेगा ना तो पूरा पूरा बर्फ जम जाएगा जहाज के ऊपर तो फिर जहाज उड़ने नहीं जाएगा टैक्सी में से पहले एक जगह आता है डी डी क्या कहते हैं उड़ने से पहले एक एक केबिन आएगा वहां पे एक वो उसमें ना गर्म पानी फेंकेगा ऊपर खूब भाफ के साथ गर्म पानी उसका ताकि पूरा बर्फ पिघल जाए पूरा बर्फ पिघल जाएगा तो इसे नहा धोवा के जहाज रेडी हो गया माथा उथा पोछ लेगा चलो हो धन उड़ गया इसे